भारी बारिश और बाढ़ के बाद आए दिन डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। सिरसा में धीरे धीरे डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। अब तक सिरसा में 168 डेंगू के पॉजिटिव मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीमें अब तक जिले में 40,000 घरों का सर्वे कर चुकी हैं और डेंगू का लार्वा मिलने पर 1,700 लोगों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसी के साथ डेंगू की जांच के लिए निजी लैबों के रेट भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें किसी भी मरीज की जांच के लिए 600 रुपए से ज्यादा का चार्ज नहीं लिया जा सकता। नागरिक अस्पताल में भी मरीजों को उपचार के लिए 12 बेड का स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है। वही नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग स्पेशल अभियान चलाए हुए है। लोगों को कूलर, फ्रिज के पिछले हिस्से, टायरों में पानी जमा नहीं होने देने की अपील की जा रही है और डेंगू के बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने और मच्छरों से बचाव के उपाय करने की भी अपील की जा रही है। अभी पूरे हरियाणा में और नॉर्दर्न इंडिया में इन दिनों में अक्टूबर महीने में प्रतिवर्ष केस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो अभी हमारे सिरसा में 168 केस हैं जो पूरे इस वर्ष के अंदर आए हैं और पिछले 2-3 महीने में इनका एक पीक सीजन होता है जिसके अंदर ब्रीडिंग काफ़ी बढ़ जाती है मच्छरों की, तो इस कारण अभी बढ़े हुए हैं। काफ़ी ज़िलों में 300-400 तक भी केस चल रहे हैं कई जगह। हमारे यहाँ 168 है और काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, नगरपालिका भी काम कर रही है और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो सारा इसकी रोकथाम में लगे हुए हैं। हम 2-3 महीने से लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं और अभी कुछ केसेस आज की डेट में बात करें तो 3 केस हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और 3 सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपको बता दें कि डेंगू लार्वा के निस्तारण के लिए लगातार जिले में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राहत की बात ये है कि 168 डेंगू मरीज में से लगभग मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 6 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 3 मरीजों का नागरिक अस्पताल में तो वहीं 3 मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में उपचार चल रहा है। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।